हाय गाइस, मेरा नाम सागर आचवान है। कैसे हो आप लोग? टुडे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ये टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बहुत पहले से बनाना था, लेकिन अगर आप जानते हो कि मैंने अभी अभी एक फिल्म आई थी बैड बॉय, विच वॉज रिलीज ऑन 28th of April 2023, एक्टेड देवर नमाशी अमरीन एज एक्टर्स, लीड एक्टर्स इन इट जॉनी लीवर जी, राजपाल यादव जी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी जी एंड प्रोड्यूस बाय इनबॉक्स पिक्चर्स, और मैं भी उसमें एक छोटा सा पार्ट प्ले कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एवरीबडी जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे मुझे सपोर्ट किया, मुझे यू नो थैंक यू बोला। मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। आई एम अ आउटसाइडर एंड एज एन आउटसाइडर जब आपका टैलेंट रिकग्नाइज होता है तो मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ। एंड मुझे एक बड़ा ही आजकल ना लोग मुझे बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर से ना मुझे एक क्या बोलते हैं टॉपिक पे बात करने का ना एक मोटिवेशन मिलता है। एंड आज का जो टॉपिक है वो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है मिहिर, उसने पूछा था कि हु वॉज योर कोच और हु वॉज योर मेंटोर और ये एक्टिंग कहाँ से सीखी। सो बेसिकली लेट मी लिटिल बिट रिमाइंड एवरीथिंग। मैं एक डांसर था एंड आई हैव डन मोर देन 500 शोज एज अ डांसर। एट द सेम टाइम आई मस्ट हैव कोरियोग्राफ मोर देन 200 नंबर्स स्टेज शोज किए थे एंड देन आई डाइवर्टेड टू एक्टिंग। सो एक्टिंग में मेरी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी राकेश रोशन जी से। उन्होंने मुझे एक इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट किया था कि ये इंस्टीट्यूट पे ना आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है, बिकॉज आई बिलीव कि आप कुछ भी करो, एक अच्छा कोच होना, एक अच्छा मेंटोर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो इंस्टीट्यूट का नाम था किशोर नमित कपूर एक्टिंग लैब KNK, एंड आई वॉज ट्रेंड ओवर देयर। उनका पोर्टफोलियो, मतलब उनका जो उनके जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स से मैं अभी भी बात करता हूँ। द इंस्टीट्यूट इट्सेल्फ वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज मैं गया था, मुझे लगा था लिटिल बिट मैं आई वुड से मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं क्रैक कर लूँगा, लेकिन जब मैंने वो इंस्टीट्यूट में गया आई रियलाइज वन थिंग, इट इज़ अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। एंड मेरे टीम में अप्रॉक्सीमेट 50 लोग थे एंड उसमें से मेरा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त बना जिसका नाम है गोपाल सोनी, लेकिन उसने अपना नाम चेंज किया है टू जयवीर सोनी। सो ये इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये इंस्टीट्यूट में मैंने डांसिंग सीखा, डांसिंग तो मैं पहले से कर रहा था शामक के साथ, एंड उसके बाद एक्टिंग सिखाई। द इंस्टीट्यूट हैड माइंड, तो इंस्टीट्यूट ने मेरा जो गला है, मेरे जो वोकल्स है, बिकॉज मुझे अभी भी कभी कभी जब मैं वीडियो बनाता हूँ मैं थोड़ा सा स्टैमर कर लेता हूँ या मैं थोड़ा सा लिस्प कर लेता हूँ, वो इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया टू रिमूव एवरीथिंग। एट द सेम टाइम मेरा आइडिएशन, मेरा विजुअलाइजेशन बहुत ही हद तक इम्प्रूव हो गया। वो इंस्टीट्यूट में भी देर वर अप्रॉक्सीमेट आप पकड़ के चलिए 6 to 7 टीचर्स, लेकिन वो टीचर में जो मेरे मेंटोर बने, जिनका मेरे लाइफ में 90 to 95% कॉन्ट्रीब्यूशन था मेरे एक्टिंग को लेके, मेरे वोकल्स को लेके, डांसिंग तो खुद से सीखा था, मेरे आइडिएशन को लेके, मेरे विजुलाइजेशन को लेके, इंस्टीट्यूट ख़त्म होने के बाद मेरे साथ मुझे स्टिल मोटिवेट करना, बिकॉज एज एन एक्टर आप ये रियलाइज करोगे ये प्रोफेशन जो है वो आपसे ना बहुत कुछ ले लेता है दोस्तों। दिस प्रोफेशन विल पुट इट्स हैंड इनसाइड योर हार्ट एंड रिमूव ऑल द इमोशन आउट। और इस वक्त ये जो टीचर थे मेरे, ये जो मेरे गाइड थे, ये जो मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे जब भी मैं दिस मतलब आई यूज टू बी वाओ आई स्टिल रिमेंबर इट और मेरा दिल थोड़ा बहुत भर आता है। ये टीचर ने मुझे और मैं इसको एडिट नहीं करूँगा बिकॉज ये जो इमोशंस है ना अभी मे बी आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे मैं भर जाता हूँ मैं। ये मेरे जो मेंटोर है इन्होंने मुझे जब आई हैव लॉस्ट होप, जब मैंने यू नो आई जस्ट गेव अप, मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी बिकॉज आई वॉज फेलिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई वुड गो फॉर ऑडिशन। ये लोग जो एक्टर्स बोलते हैं ना 1000 ऑडिशन, येस आई हैव डन मोर देन 1000 ऑडिशंस। ये मेंटोर जी ने मुझे ज़मीन से उठाया है एंड टुडे आई कैन स्टिल ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, वो सबसे बड़ी बात होती है सपना देखना। एंड मेरे मेंटोर का जो नाम है वो है प्रशांत सर,
एंड प्रशांत सर के वजह से मेरे लाइफ में आई वुड से कि बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। बहुत सारे रिव्यूज़ है, ही हैज़ ट्रेंड ऑल द ए लिस्ट एक्टर्स, ही हैज़ ट्रेंड ऑल द एक्टर्स सीरियल में जो काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। उनके हाथ से नीचे से बहुत सारे साउथ साउथ के जो एक्टर्स हैं वो भी गए हैं, एंड बड़े बड़े नाम ना, अभी मैं नाम लूँगा तो कॉपीराइट आ सकता है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट एवरी सिंगल पर्सन हु वॉचिंग दिस वीडियो इज़ वेरी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि वाओ, आई एम शिवरिंग राइट नाउ लिटिल बिट। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ बात करते करते, बिकॉज ये जो इंसान है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई लाइफ हैज़ बिन रियली इम्पेकेबल, एंड आई ओ माई अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड मी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस वंडरफुल पर्सन कॉल प्रशांत सर, एंड ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मेरे हिसाब से ट्रूली ही इज़ द बेस्टेस्ट टीचर, बिकॉज मैं किशन अमित कपूर एक्टिंग लैब्स में सीखा हूँ, और मुंबई में बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट आई नीड टू बिकम बेटर एवरी सिंगल डे। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पे गया हूँ, मैंने FTII के जो कोचेज होते हैं वहाँ से भी सीखा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ आपको एक टीचर एक होता है और एक गुरु होते हैं। सो प्रशांत जी, आई हैव हैड लॉट ऑफ टीचर्स बट आई वुड से सिर्फ गुरु मेरे एक ही थे, प्रशांत सर। डेफिनेटली आई वॉज इन किशोर अमित कपूर एक्टिंग लैब्स, एंड किशोर जी ने मेरा उनके साथ इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं रहा है, उनके जो राइट हैंड थे प्रशांत सर, उन्होंने आई थिंक अपना एक्टिंग स्कूल खोला है एंड ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। उनके एक्टिंग एक्टिंग जो स्टूडेंट्स हैं दे आर कमिंग आउट इन सीरियल्स, दे आर ग्रोइंग, एंड ये बहुत ही अच्छी बात है एज अ कह सकते हो आप एज अ टीचर, बिकॉज एक इंस्टीट्यूट को छोड़ के उन्होंने खुद का चालू किया है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हैज़ नॉट पेड मी फॉर इट, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि यू हैव पेड, नहीं, ये मैं बहुत ही दिल से बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे जब मैं आई वॉज फॉलन डाउन जब बिकॉज एक्टिंग ऐसा एक प्रोफेशन है ना जो आपको सच में इट विल टीच यू हाउ टू वैल्यू टाइम, हाउ टू वैल्यू एफर्ट्स, हाउ टू वैल्यू, वो कभी कभी आपको अकेला भी छोड़ देता है ये जो प्रोफेशन है। एंड आई स्टिल रिमेंबर प्रशांत सर मुझे मोटिवेट करते थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज एन एक्टर आपका काम है सपने दिखाना और सपनों के अंदर घुस के उसको सच करना। आई डोंट नो इफ आई मेड सेंस और नॉट, बट एज एन एक्टर आपका काम है स्क्रीन पे आके बहुत कुछ एक्टिंग करना, फिजिकल एक्टिंग, वोकल एक्टिंग करना, एंड इट इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन योर सेल्फ, एंड जब आप मेहनत करते हो यू पुट इन अ लॉट ऑफ हेल्थ, यू पुट इन लॉट ऑफ टाइम, यू पुट इन लॉट ऑफ वेल्थ, आप पैसे भी बहुत डालते हो व्हेन योर ट्रेनिंग, अगर आप अगर आप बाहर से आते हो मुंबई इट्स इज कॉस्टली, उसके बाद अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है, एंड फिल्म इंडस्ट्री इज़ रिवॉर्डिंग एट द सेम टाइम वो आपसे बहुत कुछ मांगता भी है, एंड आई वुड लिटरली से, एंड दिस इज़ इन अ वेरी एंग्री मोड आई वुड से, मैं यूजली गुस्सा नहीं करता हूँ बिकॉज एंगर इज़ नॉट गुड फॉर योर सेल्फ, बट मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है आई वुडन बी बहुत बहुत लोग ना आपको प्रमोट करने करने के लिए ना बहुत कुछ मांगते भी है, आई थिंक वो मैंने पहले की वीडियो में भी बात की है। तो प्रशांत सर इज़ वन ऑफ दोज फ्यू टीचर्स, आई बिलीव कि ऑल द टीचर्स वॉन्टेड टू बिकम एक्टर्स एंड ऑल द टीचर्स आर स्टिल परस्यूइंग टू बिकम एक्टर्स, बट प्रशांत सर ही केम टू मुंबई टू बिकम एन एक्टर, लेकिन उनका इंक्लिनेशन, हिज कॉलिंग वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, एंड उन्होंने खुद के, एंड बाय द वे ही इज़ नॉट अ गुड एक्टर, ही इज़ नॉट अ वेरी गुड एक्टर, ही इज़ फैंटास्टिक एज एन एक्टर, एंड लाइफ हैड डिफरेंट रोड फॉर हिम। मुझे एक्चुअल में पता नहीं है, मैं आई टॉक टू हिम बट, लेकिन ये प्रश्न मैंने कभी उनसे पूछा नहीं है कि क्या उन्होंने कभी ऑन स्क्रीन आए हैं, लेकिन आई हैव सीन हिम परफॉर्मिंग एंड इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, बट लाइफ ने उनको एज अ टीचर के रूप में मेरे लाइफ में लेके आए, एंड ही हैज़ बीन अ फैंटास्टिक टीचर। उन्होंने उनके जो वोकल्स है, उनकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है इट इज़ इम्पेकेबल, उनका जो विजुअलाइजेशन है, आइडिएशन है इट इज़ इम्पेकेबल आई वुड से, उनकी जो ह्यूमिलिटी है एक्चुअली आई वुड से, कि मैंने बहुत सारे टीचर्स क्या है एक्टर बनने आते हैं, एक्टर नहीं बनते हैं, देन दे बिकम टीचर्स, बट उनमें थोड़ा सा ना मैं एरोगेंस भी देखता हूँ, बिकॉज ऑल दिस टीचर्स हैव बीन प्रेटी यंग, दे आर 35, 36, 40, 42, एंड दे आर स्टिल, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरे टीचर ना मेरे साथ ऑडिशन में बैठे हुए हैं एंड द लुक्स वॉट दे हैव गिवन इज नॉट ग्रेट,
सो ही इज़ अ पर्सन हु इज़ डेडिकेटेडली वर्किंग टू मेक एक्टर्स एंड जेन्युइनली ही हेल्प्स. एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि टू द व्यूअर्स, अगर आपको किसी को भी एज एन एक्टर बनना है या यू नो एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मुंबई आना है, आई फील दे शुड गेट इन टच विद प्रशांत सर. एंड आई हैव दिस वीडियो इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू थैंक प्रशांत सर, बिकॉज अगर वो मोटिवेट नहीं करते मैं ना सीरियल में काम कर पाता. मैंने गुमराह किया है, मैं दफ़ा 420 किया है, मैंने एक PKK करके एक सीरियल दी प्यार की कसौटी, उसमें एक्टिंग की है, वो रिलीज़ नहीं हुई. देन आई हैव डन कपल ऑफ एड्स, एट द सेम टाइम आई हैव डन दिस फिल्म बैड बॉय, एंड आई हैड साइंड 3 फिल्म, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था. एट द सेम टाइम जो मेरे प्रोड्यूसर थे, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उनके साथ, विच आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज इट बिकॉज उनकी फैमिली भी ये देख सकती है. सो वो भी चीज़ रुक गई डेफिनेट. अब भाई जब मैंने 120 kg का था, 125 kg का था, राइट नाउ आई एम 94-95, सो आई एम स्टिल रिड्यूसिंग कमिंग यू नो वर्किंग ऑन माई सेल्फ. सो देन आई गॉट बैड बॉय. ये पूरे रास्ते हैं ना बिना, फ्रॉम माई एक्टिंग करियर टिल बैड बॉय मुझे लग गए, आप पकड़ के चलिए, मोर देन 10 ईयर्स. मैं अगर एक्टिंग सॉरी अगर मैं डांसिंग करियर भी पकड़ूंगा, बिकॉज आई हैड टू लेफ्ट फीट एंड आई हैड टू यू नो लर्न डांसिंग ऑल्सो, तो डांसिंग अगर करियर पकड़ूंगा तो आई वुड से मोर देन 13-14 ईयर्स का सफ़र रहा है. एंड ये जो मेरे मेंटोर थे प्रशांत सर, उन्होंने उनके वजह से ये आई वुड से कि मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं एक फिल्म में एज अ परफॉर्मर आ सकूँ. एंड बहुत सारे लोग ये समझेंगे नहीं, लेकिन अगर मेरे चैनल पे इफ़ देर इज़ एन आर्टिस्ट, इफ़ देर इज़ एन एक्टर, वो ये चीज़ ज़रूर समझेगा कि अपना सपना होता है भाई, एंड कि स्क्रीन पे आना. हम लोग वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, एंड फिजिकल पेन भी हम लोग सहन कर लेंगे, लेकिन जो इमोशनल पेन है इट इज़ क्रशिंग. एंड आई हैव सीन पीपल फॉल बैडली. एंड थोड़ी सी बात दिल पे लग गई. मे बी दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ बिकमिंग बींग एन एक्टर, यू फील थिंग्स एंड यू स्टार्ट फीलिंग एवरी सिंगल वर्ड, सो इट बिकम लिटिल लोनली. एंड ये लोनली सफ़र में अगर कोई आपका हाथ पकड़े, आजकल हाथ पकड़ने वाले भी ऐसे पकड़ते हैं यार, वो कुछ बोलते हैं कि भाई मैं आपका हाथ पकड़ूंगा लेकिन इसके अंडर ना थोड़ा पैसा रखना, तो मैं पकड़ूंगा. ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे एंड आई डोंट वॉन्ट टू नेम एनी बडी. इट्स अ गिव एंड टेक सोसाइटी. एट द सेम टाइम मुझे ऐसे जेन्युइन इंसान मिले जो जो इट इज़ मतलब मैं आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन टू हिम, बट ही इज़ हेल्पफुल विद ऑल हिज स्टूडेंट्स. एंड अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, या फिर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले उनके साथ उनके अंडर उनके इंस्टीट्यूट पे काम करने के लिए या सीखने के लिए, आई वुड ऑलवेज प्रमोट इट. ओनली फॉर वन रीज़न, दैट ही इज़ अ फैंटास्टिक टीचर, हम्बल मेंटोर. बिकॉज उनके लाइफ का एक ही उसूल है कि लोगों को एक्टर बनाना है और उनके सपने को ना संभालना है. सपने तो बहुत कुछ बहुत लोग दिखा देते हैं यार, मतलब आप खुद भी सपना सोच सकते हो, मैं ना नहीं बोलूँगा, लेकिन वो सपने को संभालने के लिए कोई चाहिए. कभी कभी खुद आप हार सकते हो, कभी कभी खुद आप गिव अप कर सकते हो, लेकिन उस वक्त उस सपने को संभालने वाला अगर कोई है. मेरे सपने को तो काफ़ी लोगों ने संभाला है, उनसे मॉम डैड सैल मेरी अज्जी प्रशांत सर बहुत सारे लोगों ने संभाला. लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे एक भी पर्सन है जो आपके सपने को संभाल सकता है, इट्स अ ब्लेसिंग. एंड प्रशांत सर वॉज वन ऑफ द पीपल हु हेल्प मी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, डू लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. पीस, थैंक यू.